नेटवर्क। सफल विकास वेलफेयर सोसाइटी दो हम लोगों ने ये फॉर्म किए थी 2004 में 8 में, और तभी से हम लोग सामाजिक कार्य कर रहे हैं अलग अलग फील्ड में। अभी जब से ये कोविड का जो पैंडेमिक फैला है, डे वन लॉकडाउन से हम लोगों ने अलग अलग एक्टिविटी की, और उसमें ऐसा था कि हमने रेशन डिस्ट्रीब्यूशन, खिचड़ी बांटना, उसके अलावा सैनिटाइजेशन का हमारा एक टारगेट रहा कि मालवणी की बस्ती में मैक्सिमम हम लोग सैनिटाइजेशन किया जाए, जहाँ पर सरकार नहीं पहुँच सकती वहाँ हमने कोशिश की कि वहाँ हमारा वो उनकी यंत्रणा नहीं पहुँच सकती, तो हम लोगों ने वॉलंटियर वो करने की कोशिश। साथ में हमने ये देखा कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट में माननीय उद्धव जी ठाकरे ने, मुख्यमंत्री ने जो अपील की कि ब्लड डोनेशन करना ज़रूरी है, ब्लड की बहुत कमतरता है, तो हमने निर्णय लिया हमारी कमेटी ने कि हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करेंगे, और ये करीब एक हफ्ते भर में हमने निर्णय लिया। और हफ्ते भर का ये निर्णय के अंदर हमारे वर्कर्स ने जो मेहनत करके कार्य किया, उसके अंदर हम लोगों का टारगेट था 110 ब्लड डोनेट करना, 110 लोगों का, लेकिन टेक्निकल वजहों से हमारे लोग यहाँ पर पूरे जमा थे करीब जो शरद चंद्र पवार साहब, उनकी बदौलत, मतलब उन्होंने हमको हिम्मत दिया कि हम भी कुछ कर सकते हैं, इसलिए मैं आज उनका आदर से नाम लेती हूँ कि हमारे जो बैकिंग है शरद पवार साहब, उनके वजह से आज हम ये सब कर सकते हैं। कितने लोगों का समाज हुआ ब्लड डोनेट कैंप? आज हमको तो 200 के पार जाना था, लेकिन कोरोना के वजह से हम लोग ने लोगों ने उनकी जिम्मेदारी समझी कि हमको देना है। सरहद पर जब सैनिक लड़ाई करते हैं, तो यहाँ पे भी हम लोग ब्लड डोनेशन करके किसी का हेल्प करते हैं, तो लोगों ने हमको 55-60 तक लोगों ने आज डोनेशन दे दिया, जो समाज के लिए अच्छी। पी नॉर्थ में कोरोना के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, उनको क्या कहना चाहोगे? जिस तरह से स्लम के अंदर लॉकडाउन का उल्लंघन किया जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन है, मास्क नहीं लगाते, उनको क्या कहना चाहोगे? मैं तो इतना ही बोलना चाहूँगी कि हर एक नागरिक, पी नॉर्थ ही नहीं, हर एक नागरिकों ने अपनी अपनी जिम्मेदारी, सेहत की जिम्मेदारी समझनी चाहिए। कहाँ पर भी जाते हो तो मास्क लगा के जाइए, आपके बच्चों भी आपके साथ में जाते हैं तो मास्क लगा के जाइए, और सोशल डिस्टेंस नहीं कहना चाहूँगी क्योंकि वो समाज से दूर ही हो जाते हैं, फिजिकल डिस्टेंस रखना चाहिए, और जहाँ तक हो के गर्दी में शामिल नहीं होना चाहिए। बस मैं इतना ही हर एक नागरिक को संदेश देना चाहती हूँ।